तो दोस्तों अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका सर्किट का काम वर्क करता है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ और आपका ए टू जेड इलेक्ट्रॉनिक हिंदी चैनल में स्वागत है। मेरे पास एक सीआरटी टीवी आया हुआ है जिसका वर्टिकल सेक्शन में फॉल्ट है, कुछ इस प्रकार से लाइन आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो आईसी वगैरह है वो भी चेंज कर दिया है, और चेंज करने के बाद फिर भी नहीं हुआ है। किसी मैकेनिकल पास गया था जो आईसी चेंज किया, फिर भी इसको शॉर्ट आउट नहीं कर पाया। और आप देख सकते हैं कि इसका पिन वगैरह उखड़ गया है, और कुछ चैम्पर करके इसको बनाने की कोशिश किया गया था बट नहीं बना है। तो इस कंडीशन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इसका वोल्टेज मेजरमेंट करना ज़रूरी है। तो इससे पहले आपको थ्योरी बताएंगे, उससे पहले आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पीच वाला साइड वाला जो है, यानी जिसको हम दो नंबर पिन बोलेंगे, दो नंबर पिन में मेरा 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और बीच वाला इधर वाला जो है वो भी, उसमें भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, यानी एक डायोड से होके यह वोल्टेज आता है। और बीच वाला आपका माइनस वोल्टेज आएंगे, क्योंकि ये माइनस से सप्लाई दिया गया है, जिसके कारण दोनों साइड में 12 वोल्ट 12 वोल्ट आएंगे। किसी किसी में 26 वोल्ट आते हैं दोनों साइड में। उस कंडीशन में बीच वाला जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है। तो इस कंडीशन में बीच वाला जो है वो माइनस वोल्टेज दिया गया है, जिसके कारण दोनों साइड में 12 यानी 12 दोनों होता है, यानी 12 माइनस और 12 प्लस मिलकर 24 वोल्ट का काम करता है। यानी बीच वाला ग्राउंड की जगह पर माइनस 12 वोल्ट दिया गया है, जिसके कारण दोनों साइड में 24 वोल्ट या 26 वोल्ट मिलना चाहिए, वो 12 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका सप्लाई सही है। और इसका जो आउटपुट लेग है आप देख सकते हैं, 1 नंबर और 7 नंबर दोनों में 1.3 1.2 इस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं। और बीच वाले दो जो बचा हुआ है आउटपुट गया है उसका आप देख सकते हैं 11 वोल्ट माइनस आ रहा है, यहाँ पर एक सही है, और यहाँ पर जो एक वोल्टेज एक में वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो ये जो आउटपुट दिया गया है, 1 नंबर का आउटपुट जो है, जो ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है हमेशा, तो आप देख सकते हैं छोटा सा रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है 1 ओम का, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पता करना है कि इस ग्राउंड के साथ ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरे इस कंडीशन में ग्राउंड का शायद फॉल्ट था। तो देख सकते हैं इसको अगर हम चिमटी से ग्राउंड के साथ करेंगे, 1 नंबर पिन को ग्राउंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ब्लिंक कर रहा है, यानी मेरा वर्टिकल सेक्शन आईसी ठीक है। और इसका मतलब यहाँ जो रजिस्टर था जो मैंने शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस जगह पर एक रजिस्टर लगेंगे जिसका वैल्यू 1 ओम्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये रजिस्टर फॉल्ट था, यानी इसका ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी 1 ओम का रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर ख़राब हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी भी नहीं दे रहा है, और 200 ओम्स में के लेके गए फिर भी नहीं काम कर रहा है, और 2 के तक भी ले गए फिर भी काम नहीं कर रहा है, ये रजिस्टर ख़राब हो चुका है। तो इसके जगह मैं दूसरा रजिस्टर लगा के दिखाऊंगा, और ये रजिस्टर किस जगह पर था वो भी आपको बताऊंगा। तो ये 1 नंबर पिन के आउटपुट सेक्शन से था, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, अब लास्ट में थ्योरी में आपको मालूम पड़ जाएगा किस जगह पर था। तो आप देख सकते हैं इसकी जगह मैंने 1 वाट का 1 ओम्स का रजिस्टर ले लिए, वो हाफ वाट का था, ये 1 वाट का है, मेरे पास हाफ वाट का नहीं था, तो 1 वाट से काम चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फ्यूज़ देने से भी काम चलेगा, बट वो अच्छा नहीं होगा, इसकी जगह पर एक रजिस्टर देना ज़रूरी होता है, अच्छा वर्क होता है। आप फ्यूज़ देके पतला तार देके भी कर सकते हैं, और इसका जो पिक्चर आ रहा था वो उल्टा आ रहा था। तो चलिए मैंने अभी फ़िलहाल रजिस्टर इसका इसकी जगह में बदल लिए हैं, तो इस जगह पर आपका रजिस्टर आ गया। एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये ग्राउंड होते हुए इस जगह पर, जिस इस जगह से आपको होते हुए आपका 1 नंबर पिन में जाता है, जो एक ट्रिगर का काम करता है, 1 ओम रजिस्टर जो उसका वर्टिकल जो लाइनिंग है ऊपर उस जगह पर उसको ऊपर नीचे करता है काम। यानी आप किसी किसी वर्टिकल सेक्शन में फॉल्ट होता है तो इस जगह से ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस ग्राउंड के साथ एक रजिस्टर लगाना ज़रूरी पड़ता है, तो मैंने रजिस्टर लगा लिए हैं। चलिए मैं इसको टीवी को ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए टीवी तो ऑन हो गया, बट इसका जो पिक्चर है उल्टा आ रहा है, क्योंकि शायद इसका टीवी को रिपेयर करने के समय इसका जो वर्टिकल जो कनेक्शन है वो उल्टा पलटा कर दिया होगा। चलिए इसको भी आपको सीधा करके दिखाता हूँ, और फिर आपको बताऊँगा थ्योरी में किस तरह से सर्किट में इसका सिस्टम रहता है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फिलहाल रजिस्टर लगा लिए हैं, और ये जो आउटपुट है वर्टिकल सेक्शन की, वाइट कलर और
ब्लैक कलर का, ये दोनों तार को आपस में चेंज कर देना है। और इस चेंज करने से आपका जो उल्टा का प्रॉब्लम है, यानी टीवी जो उल्टा दिख रहा है वो सीधा हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों वर्टिकल है, वाइट और ब्लैक, इन दोनों को आपस में चेंज कर लेना है। वो आपका टीवी उल्टा या वो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा। किसी किसी में वर्टिकल सेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप देख सकते हैं, ये पीछे आगे और पीछे मिलाकर होते हैं, किसी किसी में सामने में होते हैं, किसी किसी में आगे पीछे। तो आपको वर्टिकल सेक्शन का ही आउटपुट चेंज करना है, ना कि दूसरा कोई। दूसरा कर देने से, हॉरिजॉन्टल चेंज कर देने से दूसरा खराबी हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। और वर्टिकल सेक्शन का ही वायर आपको चेंज कर लेना है आपस में। और मैंने यहाँ देखिए, ये रजिस्टर मैंने लगा लिए हैं, और 1 ओम्स का रजिस्टर 1 वाट का है, तो आप 1/2 वाट या 1 वाट कोई भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर 1/2 वाट का दिया जाता है, तो मैंने 1 वाट लगा दी क्योंकि मेरे पास नहीं था। और अभी फिलहाल देखिए, कुछ मैंने वायर भी चेंज कर लिए हैं। अभी देखिए, ये इसका लिखा सही आ रहा है, यानी पिक्चर सही आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना कर लेना है। तो आगे आपको बताऊंगा कि थ्योरी में किस तरह से होते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, और आगे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका सर्किट का काम वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका LM78040 का IC है। तो आप देख सकते हैं, इसमें एक नंबर का पिन जो है वो ट्रिगर है, यानी जो पूरा जो IC मेन IC से एक सप्लाई आता है, जो इस एक नंबर पिन में आते हैं। ठीक है, और ये जो VCC सप्लाई दिख रहे हैं, 24 वोल्ट दिया गया है, 2 नंबर और 6 नंबर में दिया हुआ रहता है, और 3 नंबर के साथ एक कैपेसिटर दिया हुआ रहता है 100 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो वोल्टेज आ रहा था इस टीवी में, इसमें 12 वोल्ट आ रहे थे, क्योंकि ये माइनस प्लस में वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं, इसमें प्लस 24 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए, तो इसमें 12 वोल्ट आ रहे थे। तो 12 वोल्ट इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये 4 नंबर इसमें ग्राउंड है, उसमें ग्राउंड नहीं था, इसमें माइनस पॉइंट वोल्टेज दिया गया था, -12 वोल्ट दिया गया था। तो आप -12 वोल्ट से +12 वोल्ट में कंपेयर कीजिएगा, तो आपको 24 वोल्ट अप्रोक्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसका वोल्टेज किया गया था। तो 2 नंबर और 4 नंबर इसका ग्राउंड जो पिन था, उस दूसरे सर्किट में हो सकता है ग्राउंड होगा, बट इस सर्किट में इसमें -12 वोल्ट दिए गए थे। तो ये 12 वोल्ट थे, और यहाँ पर +12 वोल्ट, और यहाँ पर +12 वोल्ट, क्योंकि यही +12 वोल्ट यहाँ डायोड के द्वारा जाते हुए 6 नंबर पिन में आपका जाता है, जो कि 12 12 जो आपको दिखाए थे, वो 12 12 वोल्टेज यहीं से आते हैं, और 4 नंबर में -12 वोल्ट आते हैं, जो पावर सप्लाई से -12 वोल्ट दिए रहते हैं। कभी कभी आपका ST से भी दिया हुआ रहता है ये -12 वोल्ट। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, जो एक नंबर पिन जो था, उसका जो ट्रिगर हम कर रहे थे ग्राउंड के साथ, तो वो ये वाला रजिस्टर उसका ओपन हो चुका था। ये जो 1 ओम्स का रजिस्टर है, ये ओपन होने के कारण इसमें ये ग्राउंड पॉइंट इस कैपेसिटर में नहीं जा रहा था, और साथ ही साथ इस कैपेसिटर में भी नहीं जा रहा था। अगर ग्राउंड किसी सर्किट में नहीं जाएगा तो वो सर्किट वर्क नहीं करता है। तो इसी तरह ये एक फ्यूज़ का काम करता है, साथ ही साथ ये ग्राउंड को ले जाके इन सब कंपोनेंट को ग्राउंड देता है, जो आगे इस IC को प्रोसेस करने में काम करता है। तो इस कंडीशन में मेरा जो ये ओपन हो चुका था, और ओपन होने के कारण इसका जो ग्राउंड है यहाँ पर नहीं जा रहा था, और मेरा पिक्चर जो एक लाइनिंग की तरह आ रहा था। तो आप देख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 ओम से इसका वैल्यू कम बेसी कीजिएगा, तो आपका जो ऊपर और नीचे जो लाइनिंग अगर आता है, मतलब छवा छवा आता है, यानी जिसे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर से कट आता है पिक्चर, तो आप इसको कम बेसी वैल्यू करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वैल्यू को कम बेसी कीजिएगा तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसका उसका जो सर्किट में जो रिमोट का जो कोड होता है, आपको मालूम होगा वो कोड, किसी किसी के रिमोट में उसका सर्विस कोड मालूम नहीं होता है, एक सर्विस कोड आता है रिमोट में दबने से, वो आपका वर्टिकल लाइन को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अगर वो वाला कोड आपको मालूम नहीं है, तो आपको इस रजिस्टर का वैल्यू कम बेसिक करके आप उस हाइट को कम बेसिक कर सकते हैं। और ये जो आप एक उसका रजिस्टर देख रहे हैं, ये इन सभी कंपोनेंट को सप्लाई देता है, साथ ही साथ इसको ट्रिगर भी देता है, और ये सर्किट चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि इसका कट हो गया था, और ये सर्किट पूरा बंद पड़ा था, और कोई दूसरा टेक्नीशियन ने बहुत कोशिश किया था, इसका वोल्टेज भी चेक किया था, इसका IC भी चेंज किया, पर वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस सर अगर मान लीजिए यहाँ से ग्राउंड नहीं रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आपको इस तरह का वोल्टेज आपको चेक कर लेना है।
और ये इसका सर्किट प्लस वाला सर्किट है 24 वोल्ट वाला, शुरू में इसमें 12 वोल्ट वाला था, खाली इसका ही फर्क रहता है, इसमें माइनस 12 वोल्ट आता है, इसमें प्लस आता है, इसमें प्लस आता है। और ये सर्किट इसी तरह सेम टू सेम रहता है, बाकी सब 7 नंबर में कुछ इस तरह से रहते हैं।